इंदौर के विकास के लिए भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय और कृषि मंत्री सचिन यादव साथ साथ नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यदि कृषि मंत्री सचिन यादव अनाज मंडी को दूसरी जगह स्थापित करते हैं तो वे खुद उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ की नव नियुक्त कमेटी के गठन पर कृषि अनाज मंडी में एक आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव मुख्य रूप से शामिल रहे। सचिन यादव ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य किसानों तक योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाना है और उनको लाभ देना। योजनाओं को हम कागज तक सीमित नहीं रखना चाहते। योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है और प्रदेश के किसान उसका लाभ ले रहे हैं। वहीं उन्होंने छावनी अनाज मंडी को दूसरी जगह स्थापित करने की बात कही। हमारी सरकार की ये सोच है कि कोई भी नीति निर्धारण हो उसमें सभी पक्षों के की राय हो, सभी पक्षों के साथ में मिलकर के कोई भी नई नीति निर्धारण करने का काम। लगातार हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे जो व्यापारी साथी हैं, हमारे जो तलावी भाई हैं, हमाल भाई हैं, उनके जीवन को हम कैसे बेहतर करें और आने वाले समय में हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और हमारा जितनी भी प्रदेश जितनी भी हमारी मंडी प्रांगण है उन मंडी प्रांगणों को आज के इस तकनीकी युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में कैसा उसका उपयोग करके एक आदर्श मंडी के आदर्श मंडियां कैसे हमारी स्थापित हो, मॉडर्न मंडी हमारी कैसे स्थापित हो, इस दिशा में हम लोग काम करें। हमारे इस अगर छावनी मंडी की हम बात करें तो पिछले जब से हमने हमारी सरकार बनी है तब से लगातार जो है शासन के साथ संवाद करके, जो स्थानीय प्रशासन उनके साथ संवाद करके हमारे इस मंडी को के लिए नई जमीन ढूंढने का प्रयास, ढूंढने का काम लगातार आदरणीय साथियों द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आकाश विजयवर्गीय ने भी सादगी पूर्ण राजनीति का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि कृषि मंत्री अगर मंडी को दूसरी जगह विस्थापित करते हैं तो वो खुद उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। परम आदरणीय मंत्री जी और मेरे बड़े भाई सचिन यादव जी, आदरणीय अश्विन बाबा जी, हमारे विनय भैया, हमारे वरिष्ठ सारंग जी और सभी पदाधिकारीगण मंडी के भी और अन्य अतिथियों को भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। संजय भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे भी नहीं पता था, मैंने उनसे पूछा यार आखिर इतनी जल्दी बुला कैसे लिया सचिन भैया को आपने, तो बताया कि मेरे तो उनसे बहुत पुराने हमारे पारिवारिक संबंध है, उनके भाई से उनके भाई के पारिवारिक संबंध है। तो आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे आदमी को बना लिया जिसके मंत्री जी से पारिवारिक संबंध है, तो अब अपने कामों की संभावना ज़्यादा हो गई है। कोई आदमी जब संजय भैया भाषण दे रहे थे तो कुछ किसी ने कहा, बोले यार पहले ही भाषण में सारी समस्याएं बता दी, तो ये युवा जोश देखने में आया है और मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी भी युवा हैं। और सचिन भैया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मंडी को शिफ्ट करने का जो विषय है उन्होंने मेरे समक्ष भी रखा था, मैंने ये प्रश्न विधानसभा में भी लगाया है, ज्ञान आकर्षण विधानसभा में भी लगाया है,
जो पटल पे चर्चा पे तो क्या है अगर स्वीकृत हो गया है तो अगर वहां से भी हमें सपोर्ट कुछ सही लगेगा तो वो भी मिल जाएगा। और आपको जो भी मैं अपने लेट भी इसलिए हो गया कि मैं अपने ऑफिस का स्टाफ भी साथ में लेकर आया हूँ। आपको जो भी लिखित में हमसे चाहिए आप सब ले लीजिए, बस इन लोगों की जो भी समस्या है वो हल हो जाए इसकी आप चिंता कर लें। मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सभी चीजें हमारी मंशा के अनुसार होने पर मंडी विस्थापित की जाएगी, साथ ही कहा कि मिलावट खोरों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए अभी सभी कार्रवाई जो है प्रोसेस में है और जैसे ही सब चीजें हमारी मंशा के अनुसार होगा वैसे ही हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए मिलावट को लेकर के हमारी सरकार बहुत सख्त है, वो किसी प्रकार की मिलावट हो, और पिछले दिनों बहुत बड़ी कार्रवाई हमने हमारी सरकार ने मिलावट खोरों के खिलाफ करी है, और इस प्रकार की कोई भी जानकारी जो भी सूचना हमको आपके आप लोगों के माध्यम से मिलेगी उस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी हमारा विभाग लगातार जो लोग किसानों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक देने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर विभाग लगातार सैंपल लेने का काम हमारा जारी है, और बहुत सारे लोगों पर हमने कार्रवाई भी करी है, FIR भी करी है, और जरूरत पड़ेगी तो उससे आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर अनाज मंडी के मंच पर मंत्री सचिन यादव और विधायक आकाश विजयवर्गीय की केमिस्ट्री को देखकर लगा कि विकास के मुद्दों पर दोनों नेता एक साथ मिलकर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।